मेरा बेटा बहुत बेचैन और बहुत उदास है जब से तुम वहां से गई। चलो। लेकिन आप तो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मरियम ने शर्त रखी है कि जब तक तुम नहीं आओगी वो रुखसत नहीं होगी। मुझे पता था मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत नहीं होगी। एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी और उस दिन तुम उस रात को बहुत रोगी और उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है वो अपनी मर्जी से गई है क्योंकि ना तो मैंने उसे घर से निकाला है और ना तुम उसे कराची छोड़कर आए हो। वापस लेकर आऊंगा उसे। चलो, तुम अगर चाहते हो तो अपनी इज्जत को जाके गली गली तलाश कर लो, अपनी तसल्ली कर लो। मुझे लगता है मीराब अब वापस नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? हर दफा तो लौट आती है हमारी जिंदगी में। नहीं, इस बार वो खुद सोच समझ कर गई है, अपनी मर्जी से भाग गई है। तो गाड़ी निकालें, मुझे पता है वो कहां गई है। कल रात तो वो अच्छी खासी थी, आ गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर चली गई? जिसके मुंह में हर वक्त जाने की रट हो उसे कब तक रोका जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें भी पता चल गया क्या? किसने खबर दी? मुर्तसिम ने या मीराब ने? क्यों, क्या हुआ? तुम घर में नहीं थे? नहीं, मैं गाँव जमीनों पर गया हुआ था। सब खैरियत तो है? मेरा तो ठीक है ना? खुदा जाने, मेरी तो दुआ है जहां भी हो ठीक हो। क्या पर ये कैसी दुआएं दे रही हैं आप? हया, क्या हुआ? तुम बताओ मुझे, सब खैरियत है ना? मामू, वो मीराब घर से भाग गई है। मेरा मतलब कल रात कहीं चली गई, चौकीदार ने उसे जाते हुए देखा था। कहाँ चली गई? खुदा जाने कहाँ चली गई। घर की गाड़ी में तो गई नहीं, वो चादर में मुंह छुपाए पता नहीं कहाँ गई। गया मुर्तसिम उसे ढूंढने, अल्लाह जाने कहाँ से मिले। कैसी बातें कर रही हैं आप? कराची वकास के पास गई होगी, और कहाँ जाना उसे। अनवर, तुम्हें पता है वकास दिल का मरीज है, उसे की बात पता चली तो पता नहीं इसकी तबीयत न बिगड़ जाए। मुझे लगता है हमें कराची जाना होगा। हया, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई, लेकिन लगता है बची कुछ ही जिंदगी बहू को मना मना कर लाने में गुजर जाएगी। चलो। कुछ बताया उसने कहाँ गया है? नहीं जी, बस ये चाबी और रेंट देकर चला गया। कोई इसके साथ था? मेरा मतलब है कोई लड़की। मुझे नहीं पता। बहरहाल वो यहाँ आए या कॉल करे तो मुझसे इस नंबर पे रब्ता करना, समझे? जी जी समझ गए। बताया नहीं मालिक, सिर्फ चाबी और रेंट देके चला गया। तो था उसके साथ? कह रहा था मुझे नहीं पता। मैंने उसे कहा कि अगर वो यहाँ आए या कॉल करे तो मेरे नंबर पे राब्ता करना। करके